ओके दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हम सभी के फेवरेट मसल पार्ट को ट्रेन, जो है हमारा एब्स, सिक्स पैक एब्स, जो आपके बिस्किट्स होते हैं, आज हम उसको ट्रेन करने वाले हैं। मतलब लगभग कोर के सारे मसल्स आज हम टारगेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इंटरमीडिएट सीरीज में, तो जाके चेक करो, बाइसेप, बैक, शोल्डर्स, ये सारे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आज एब्स की बात करेंगे वन बाय वन, पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, फ्लो, रेप रेंज, एवरीथिंग। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं ना, तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लग रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पर आती है हमारे रेक्टस एब्डोमिनस की। अब रेक्टस एब्डोमिनस क्या था, याद करो, सिक्स पैक एब्स, जो ये बिस्किट्स दिखाई देते हैं ना, ये होते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। नाउ अब हम जो पहली एक्सरसाइज लगा रहे हैं वो है नीचे से क्रंचेस, यानी कि आपके जो पेल्विस है, ये हिप्स जो है वो ऊपर की तरफ रोटेट होंगे। मैंने पहले समझाया आपको, जब भी आपके ये रोटेशन होती है ना, चाहे अपर बॉडी की हो चाहे लोअर बॉडी की हो, आपके रेक्टस एब्डोमिनस काम करता है, ये फंक्शन है इसका। अब जब आप नीचे से रोल करते हो आपके हिप्स को, तो आपका निचला हिस्सा जो है रेक्टस एब्डोमिनस का, सिक्स पैक एब्स का, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और हम पहले शुरुआत इससे कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग लैक करते हैं इस मसल को, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी है, फर्स्ट एक्सरसाइज इससे। अब ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी टफ है, क्योंकि इस तरीके का बेंच चाहिए और ग्रिपिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। किसी किसी जिम में आपको ऐसी बेंच मिलेगी जहाँ पर ऐसा बार होता है पकड़ने के लिए, वो अच्छा है, लेकिन जैसे मेरे पास है ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, बट काम चल जाता है, ठीक है। कैसे करना है, जो आपके टोज हैं उसको स्ट्रेच करना है सामने की ओर, ग्रिप अच्छी करनी है ताकि आप कर पाओ। उसके बाद यहाँ से लिफ्ट करना है, ठीक है, ये वन, अप टू, अप थ्री, अप फोर, अप फाइव, ठीक है, यहाँ तक जाना है, बहुत नीचे मत जाना। ये जब पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप करोगे तो आपका निचला हिस्सा रेक्टस एब्डोमिनस का ये टारगेट होगा। कितने रेपिटेशन लगाने हैं आपको, टोटल आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के 12 से 15 रेपिटेशन लगाओगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कोर स्ट्रेंथ कैसी है, कुछ लोगों की कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, अपने लेग्स के वेट को उठा लेंगे, क्योंकि लेग्स भी पतले होंगे या फिर उतने ज़्यादा हैवी नहीं होंगे, कुछ लोगों के लेग्स हैवी होते हैं तो वो उठाने में स्ट्रगल होता है, ठीक है। सो 12 से 15 रेपरेंज रखो, अगर ईजी पड़ रहा है 12 से 15 भी, तो यहाँ पर आप वेट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पैरों में वो फंसा लो, क्या डंबल्स फंसा लो, और डंबल से आप कर सकते हो और अपने रेक्टस एब्डोमिनस को टारगेट कर सकते हो। सो ये ब्यूटीफुल एक्सरसाइज के आप टोटल 4 सेट करेंगे। इन बिटवीन द सेट आपको रेस्ट पीरियड ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 1 मिनट के आसपास आप यहाँ पे रेस्ट रहोगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। सो ये होती है हमारी एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो इंडिया में विंटर्स चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी फैट लॉस जर्नी को कंडक्ट कर रहे होंगे, फैट लॉस कर रहे होंगे, वेट लॉस कर रहे होंगे, या बॉडी को लीन कर रहे होंगे। तो ऐसे मौके पे आप अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है आपको। और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने के लिए सबसे पहले आप फूड को ही सेलेक्ट करके उसको मिनिमाइज करते हो, या ऐसे फूड सेलेक्ट करते हो जिनमें कैलोरीज कम आए। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जब बात आती है पीनट बटर की, तो हमें वो बहुत पसंद होता है, लेकिन पीनट बटर में कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसके अंदर फैट जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था, माई पीबी का पीनट बटर पाउडर, ये आपको पीनट बटर के वो सारे फायदे देता है, राइट, टेस्ट और जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो सारे कुछ, लेकिन जो फैट्स है वो 85% कम देता है, लो फैट पीनट बटर। उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन जो है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि एक सर्विंग में आपको जितना प्रोटीन नॉर्मल पीनट बटर में मिलता है उसका दुगना। इसकी एक सर्विंग 16 ग्राम्स की है और उसमें आपको 9 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है और लगभग 2 ग्राम्स ऑफ फैट। तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी फैट लॉस की डाइट में इस्तेमाल करने के लिए। जैसे करेंटली मैं भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने फूड में, जैसे कि ओट्स हो गया, ब्रेड हो गया, इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है। आप सिंपली एक सर्विंग में थोड़ा सा पानी या फिर आलमंड मिल्क या फिर दूध भी मिला सकते हैं, आपकी मर्जी है, और आप मिक्स करके इसका पेस्ट बना लीजिए और आप उसको सर्व कर सकते हैं अपने किसी भी फूड में, स्मूदीज भी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 100% नेचुरल रोस्टेड पीनट से बनाया गया है, इसमें किसी भी तरह के एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स,
एमल्सीफायर, हाइड्रोजनेटेड ऑयल कुछ नहीं है। सो आप इसको ले सकते हैं, और अगर आप इसको अभी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है माई पीबी पीनट बटर पाउडर का, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है रोप क्रंचेस। अब देखो, रोप क्रंचेस मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी है, लेकिन ये पर्टिकुलर इंटरमीडिएट लेवल पे रोप क्रंचेस करने की क्यों ज़रूरत है? अब आप जब आप इंटरमीडिएट बनते हो ना, तो नॉर्मल एब्स की एक्सरसाइजेस तो हर कोई करते हैं, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाना है। सो रेजिस्टेंस आप कैसे बढ़ा सकते हो? विद दिस वेट। सो टेक्निकली क्या करना है, किसी भी तरह की रोप आपने लेनी है, इस तरीके से ज़मीन में बैठना है, और एंगल बहुत दूर भी मत करना, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच पूरा फील ना हो। एंगल इतना रखना पास में, ठीक है, हाथ को लॉक करना है यहाँ पे, एंड जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ब्रीथ आउट एंड कॉन्ट्रैक्ट दी एब्स मसल्स, और उसके बाद जब आप ऊपर आ रहे हो तो छोड़ो, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान ये ज़रूर रखना कि एल्बोस को मूव नहीं करना है, ये मत करना, ठीक है, लैग्स की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बैक की नहीं हो रही है, लॉक करना है इसको, ये अब रेप रेंज लगभग इसमें आपकी वही 12 से 15 होनी चाहिए। ऐसा वेट सेलेक्ट करना, अगर आप कंफर्टेबल हो गए हो तो भाई यू नो 30-35 केजी आराम से आप 12-15 रेपिटेशन के लिए निकाल सकते हो। सबसे ज़्यादा आपकी अहमियत जो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपका रेक्टस एब्डोमिनस के अपर वाले हिस्से पे लगती है, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये परफॉर्म करनी है, और रेस्ट पीरियड आपका यहाँ पे लगभग 60 सेकंड्स के आसपास रहेगा, और ऐसे ही आप 3 वर्किंग सेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है आपकी दूसरी, और हम चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज में। ओके, हमारी तीसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है बहुत ही ज़बरदस्त, प्लैंक हिप ट्विस्ट्स। अब देखो, प्लैंक पोजीशन आपको पता है क्या होती है, इस तरीके से आप जब प्लैंक पोजीशन में आते हैं तो आपके एब्स और आपके पूरे कोर मसल्स जो होते हैं उसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कोई चेंज नहीं होता मसल का लेंथ, आपका स्ट्रेच और एलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट बल्कि कॉन्स्टेंट टेंशन मेंटेन होती है, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक टेंशन। अब जब ये आप मेंटेन करते हो तो आपका पूरा कोर मसल इंगेज होता है। सो प्लैंक ऐसी एक्सरसाइज है। अब उसके साथ साथ आप एक और ट्विस्ट दे रहे हो, वो है आपकी हिप्स को रोटेट कर रहे हो यूं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके ओब्लिक्स भी ट्रेन हो रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट है। कैसे शुरू करना है इसको? पहले प्लैंक पोजिशन में आना, ठीक है, अब प्लैंक पोजिशन में जब आप आओगे तो इसको होल्ड करना जितनी देर तक आप कर सकते हो, लगभग 40 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से सही पोजीशन होल्ड करना। फिर जैसे ही आप फटीग होने लगोगे उसके बाद स्टार्ट करना ट्विस्ट्स, टू पूरे हिप्स नीचे टच करने हैं, एंड यू ठीक है। अब आप कहेंगे रेप रेंज क्या होगी? भाई मैक्सिमम, मतलब कि बर्न आउट, प्लैंक करने के बाद, 1 मिनट प्लैंक होल्ड करने के बाद अगर आप 10 इस साइड 10 इस साइड भी कर लेते हो ना, तो ये समझो कि आपका पूरा एरिया बर्न हो गया है। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है अगर आप इसको लगाओगे, ठीक है। नाउ रेस्ट पीरियड कितना रहेगा वो बहुत ध्यान से रखना, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एब्स की एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा फटीग नहीं होता, मसल इतना ज़्यादा नहीं थकोगे आप ओवरऑल बॉडी, तो 60 सेकेंड्स 1 मिनट के अंदर अंदर में आपकी रिकवरी आराम से हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे, और अब बढ़ते हैं हमारी चौथी एक्सरसाइज में। ओके, सो अभी तक अगर आप एक्सरसाइजेस करके यहाँ पहुँच गए हो तो मतलब कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइजेस बहुत भयंकर थी एब्स की। अब आते हैं हमारी चौथी एक्सरसाइज में, जो है विंडशील्ड वाइपर्स। अगेन, विंडशील्ड वाइपर्स आपके ओब्लिक मसल्स को, जो इससे पहले आपके कोर मसल और ओब्लिक को थोड़ा बहुत हमने ट्रेन किया ट्विस्ट लगा के, प्लैंक ट्विस्ट, अब आपकी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हम ओब्लिक मसल को ज़्यादा अहमियत देते हुए टारगेट करेंगे। ओब्लिक्स क्या होते हैं? ये साइड में होते हैं आपके ओब्लिक्स, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस, उसके अंदर TVA, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, एंड ओब्लिक्स, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक्स होते हैं दोनों साइड में। अब वो कैसे ट्रेन होते हैं? जब भी आपकी बॉडी ये रोटेशन करती है ना, टॉर्सो का मूवमेंट, दिस मूवमेंट, ये होता है आपके ओब्लिक्स का काम। मैं यू ट्विस्ट कर रहा हूँ, मेरे ओब्लिक काम करेंगे और ओब्लिक ही करवा रहे हैं इसको, ठीक है। तो विंडशील्ड वाइपर्स कैसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपके ओब्लिक्स का मूवमेंट यानी कि टॉर्सो का मूवमेंट
लोअर बॉडी से आप कर रहे हो, ठीक है। हाथ आपने यहाँ पे फिक्स कर दिए, पैर को स्ट्रेच किया, हिप्स को थोड़ा सा उठाया, ब्रीद इन एंड राइट, गो अप, कंट्रोल, गो अप, कंट्रोल, ऑलराइट। सो ये कंट्रोल के साथ आपने मूवमेंट को लगाना है। पैर जब नीचे जा रहे हैं तो नीचे ऐसे छोड़ मत देना, होल्ड करना है। ऊपर आओ, होल्ड करो, ऊपर आओ, होल्ड करो। सो इस तरीके से आप अपने ओब्लिक मसल को जब ट्रेन करोगे तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। अब अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप एब्स को किसी बड़े मसल ग्रुप के साथ क्लब करते हो तो ज़रूरी नहीं कि चारों की चारों एक्सरसाइज आप लगाओ, आप तीन करके भी घर जा सकते हो, क्योंकि आप बाइसेप ट्रेन कर रहे हो उसके साथ में कर लिया, चेस्ट के साथ ट्रेन करो तो बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एब्स ही कर रहे हो, यानी कि थोड़ा बहुत लोग कार्डियो करते हैं 20-25 मिनट उसके बाद फिर एब्स करते हैं, तो अगर आप वो कर रहे हो तो ही चार एक्सरसाइजेस करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी आपके किसी भी प्रोग्राम में। ऑलराइट, सो ये थी एक्सरसाइजेस फॉर एब्डोमिनल मसल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद आया। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइन ऑफ।